गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश लेसन थर्ड. आई एम हियर नीता जोशी. प्रीवियस वी आई हैव डन द लेसन. नाउ वी आर गोइंग टू द सम एक्सरसाइजेस. पहले हम इसकी एक्सरसाइज कर चुके हैं. अब हम पेज नंबर 38 पर जो एक्सरसाइज है एफ वो करेंगे. This is your English book, lesson 3, The Story of Rainbow, on page number 38. Question F, exercise F. A compound word is made from two small words. Compound word क्या होता है? जो दो छोटे शब्दों को मिलाकर एक बड़ा शब्द बनाया जाता है उसे कंपाउंड वर्ड कहते हैं. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे सन प्लस साइन. तो इन दोनों को हम पूरी स्पेलिंग लिखेंगे तो सन साइन हो जाएगा. तो इसको हम क्या कहेंगे? कंपाउंड वर्ड. सेकेंड देखेंगे, सेकेंड एग्जाम्पल एवरी प्लस वेयर. इन दोनों को हम साथ में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एवरी वेयर. ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं. यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, बो, के, ब्रश और फ्लावर. फर्स्ट में देखेंगे आप, सन प्लस फिलअप दिया हुआ है. वहाँ पर सामने फ्लावर की पिक्चर बनी हुई है. हम यहाँ पर फ्लावर लिखेंगे, सन प्लस फ्लावर इज इक्वल टू सन फ्लावर. ठीक है, सेकेंड में देखेंगे कप प्लस केक, कप केक, कप प्लस केक, कप केक. ठीक है, थर्ड देखेंगे रेन प्लस बो, रेनबो. ये लेसन किसके बारे में? रेनबो के बारे में ही है. तो ये रेनबो देखो यहाँ पर बना हुआ है, ऐसा होता है जो बारिश के दिनों में दिखाई देता है. तो अब थर्ड वाला क्या है? रेन प्लस बो, रेनबो. फोर्थ में देखेंगे टूथ प्लस ब्रश, टूथ ब्रश. अब आपको क्या करना है कि जो आपके आगे एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है ये न्यू पेज से डेट हेडिंग डालकर आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है. और आप पिक्चर नहीं बनाओगे तो चलेगा, पिक्चर नहीं बनानी है. न्यू पेज से पेज नंबर 38 को कंप्लीट करना है कॉपी में. ओके, अब हम पेज नंबर 39 और 40 आगे करेंगे. तो आप ये 38 पेज कॉपी में करेंगे. मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा काम करवा रही हूँ क्योंकि आप उसको अच्छे से कर सको और राइटिंग भी अच्छी लिख सको और आपको पता चले कैसे काम करना है. इसलिए मैं अभी थोड़ा सा ही काम करवा रही हूँ आपका. इसलिए नीट एंड क्लियर राइटिंग में इसको कॉपी में कंप्लीट करेंगे. ओके,